नमस्ते दोस्तों, यूसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र मेनारिया, फैकल्टी लाइब्रेरी साइंस। अपने जो आपकी डिमांड पे टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक था पंचवर्षीय योजनाएं, फाइव ईयर प्लानिंग्स। तो अभी तक इस पंचवर्षीय योजनाओं में अपन ने चार पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली थी। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली थी? चार पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली थी। अब अपन आज शुरुआत करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से। कौन सी? फिफ्थ या पाँचवीं? पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब कार्यकाल इसका? 1974 से 1979 से लेकर 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए? पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया, प्रौढ़ अथवा वयस्क शिक्षा, वयस्कों को शिक्षित करने पर बल दिया। प्रौढ़ अथवा वयस्कों को शिक्षित करने पर काम किया, करने पर कार्य किया। ठीक है सर, समझ में आ गया। प्रौढ़ अथवा वयस्क यानी कि जिनकी उम्र 15 से लगाकर 35 वर्ष तक है, उनको एडल्ट माना गया, प्रौढ़ अथवा वयस्क माना गया, इनकी शिक्षा पर काम किया गया। क्योंकि भारत में क्या था, ये जो जनरेशन थी वो सबसे ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा निरक्षर थी। अब जो बात उठती है साक्षरता के बारे में, तो पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे जो होंगे वो तो स्कूलों में जाके पढ़ लेंगे, लेकिन जिनकी उम्र हो गई जो 20-25 साल से ऊपर के हो गए, 30 साल के, 35 साल के, वो जा करके कहाँ पे पढ़े? और उन वो सबसे क्रियाशील जनसंख्या है। 15 से 35 वर्ष तक जो है वो सबसे किसी भी राष्ट्र के लिए क्रियाशील जनसंख्या होती है। तो उसको साक्षर करना, उसको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ अथवा वयस्क को शिक्षित करने का कार्य प्रारंभ किया। अब ये कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है? अब प्रौढ़ व अथवा वयस्कों को कैसे शिक्षित किया जा सकता है? तो प्रौढ़ और वयस्कों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने क्या किया कि राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय तथा ग्रामीण पुस्तकालय, वापस सुन लो, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय तथा ग्रामीण पुस्तकालय को मजबूत करने का कार्य इस पंचवर्षीय योजना में किया गया। कौन से पुस्तकालयों को मजबूत करने का कार्य? जिला पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय तथा ग्रामीण पुस्तकालयों को मजबूत करने का कार्य इस पंचवर्षीय योजना में किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उद्देश्य रखा कि अपन प्रौढ़ों अथवा वयस्कों को कहाँ पे शिक्षा देंगे, ग्रामीण तथा तालुका, तहसील आदि के जो पुस्तकालय होंगे वहाँ पर हम इनको साक्षरता या शिक्षा प्रदान करेंगे, इनको साक्षर करेंगे, वहाँ पर इनको एजुकेशन उपलब्ध करवाएंगे। कौन से पुस्तकालय में? ग्रामीण पुस्तकालय तथा तालुका पुस्तकालय में हम उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय तथा ग्रामीण पुस्तकालयों को मजबूत करने का कार्य इस पंचवर्षीय योजना में किया गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। राज्य में केंद्रीय से लगाकर ग्राम तक इन पुस्तकालयों को मजबूत करने का कार्य इस पंचवर्षीय योजना में रखा गया। अब इनको मजबूत कैसे किया गया, इनको मजबूत कौन करेगा? तो इनको मजबूत करने का जिम्मा जो है वो ट्रिपल आरएलएफ को दिया गया। किसको दिया गया? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन को इनको मजबूत करने का जिम्मा दिया गया। अब ट्रिपल आरएलएफ जो है वो भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, ऑटोनोमस बॉडी और नोडल एजेंसी है, ठीक है, जिसको वित्त कहाँ से मिलता है? भारत सरकार से मिलता है। तो भारत सरकार ने इसको वित्त प्रोवाइड करा है। किसको? ट्रिपल आरएलएफ को। अब कौन से मंत्रालय के अधीन किया गया ट्रिपल आरएलएफ को? भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। किस, कौन से मंत्रालय के अधीन कर दिया गया? भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन ट्रिपल आरएलएफ को इस पंचवर्षीय योजना में कर दिया गया। इससे पहले जो पुस्तकालय का जो बजट पारित होता था वो सोशल एजुकेशन से होता था। पुस्तकालय का बजट इससे पहले कौन कहाँ से होता था? सोशल एजुकेशन, एजुकेशन से बजट पारित होता था। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में 1979 से भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया
तथा पुस्तकालय को कला व संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माना इन्होंने, और इसके तहत संस्कृति मंत्रालय से भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय को बजट स्वीकृत होना प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले किसको दिया? संस्कृति मंत्रालय ने ट्रिपल आरएलएफ को दिया। ट्रिपल आरएलएफ को कहा कि अब तू देश भर के केंद्रीय पुस्तकालय है, जिला पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय, उनको मजबूत करने का काम करो, ये बजट हम आपको देते हैं, इससे आप कार्य प्रारंभ करो और पूरे देश में वयस्कों को शिक्षित करने का काम आप करो। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं लिख के समझाता हूँ। प्रौढ़ अथवा वयस्कों को शिक्षित करने का पर कार्य किया गया। अब इनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है? तो जिला पुस्तकालय राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय तथा जिला पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय तथा ग्रामीण पुस्तकालयों को वयस्कों को शिक्षित करने का दायित्व दिया। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया हमको कि जिला पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय और ग्रामीण पुस्तकालय को दायित्व दिया गया और उनको मजबूत किया गया। इनको किसके द्वारा? ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा फंड देकर। ट्रिपल आरएलएफ को कहाँ से मिला? भारत के संस्कृति मंत्रालय से मिला। फंड देकर इनको मजबूत किया गया और कहा गया कि आपको वयस्कों को शिक्षित करना है, इस पर कार्य करना है। किसको? जिला पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय को वयस्कों को शिक्षित व साक्षर करने का दायित्व दिया व इन पुस्तकालय को मजबूत करने का कार्य किया गया। इन पुस्तकालयों को इस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? मजबूत करने का कार्य किया गया। इन पुस्तकालयों को मजबूत करने का कार्य किया गया। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। इन पुस्तकालयों को मजबूत करने का कार्य किया गया, इनको फंड दिया गया जिससे क्या कर सके? प्रौढ़ वो वयस्कों को शिक्षित कर सके। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो एक वर्ड आया है साक्षर, प्रश्न आया हुआ है कि साक्षर किसे कहते हैं? भारत में या विश्व में क्या परिभाषा है साक्षरता की? किसे आप साक्षर कहेंगे? तो ध्यान पूर्वक सुनना। वह व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक है, 7 वर्ष से कम का काउंट नहीं होगा इसमें। वह व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष अथवा 7 वर्ष से अधिक है तथा जो किसी भी भाषा को बोलना लिखना भी आना चाहिए तथा पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। तो साक्षरता की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि साक्षर किसे कहा जाता है। जो इंसान जिसकी आयु न्यूनतम सात वर्ष या सात वर्ष से अधिक है तथा जो किसी भी भाषा को बोलना पढ़ना तथा लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। अब 7 वर्ष से कम आयु का है ना, उसको बोलना पढ़ना लिखना नहीं आता है, तीनों काम नहीं आते हैं, तो उसको आप निरक्षर नहीं कह सकते हो। वो निरक्षर क्योंकि वो तो बच्चा अभी सीख रहा है, लेकिन इससे अधिक आयु का है और अगर उसको ये काम नहीं आता है तो वो निरक्षर की श्रेणी में आएगा। ठीक है, वो साक्षरता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र हो तथा वो किसी भी एक भाषा को लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए किसी भी भाषा को, तो उसे साक्षर माना गया है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। ठीक है, तो प्रौढ़ को
अथवा वयस्क को शिक्षित करने का कार्य किया गया। अब इनको कैसे शिक्षित करें? शिक्षित जिला पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालयों को वयस्कों को शिक्षित अथवा साक्षर करने का दायित्व दिया गया। तो और इनको मजबूत किया गया, इन पुस्तकालयों को मजबूत किया गया। इनको किसके द्वारा मजबूत किया गया? इनको इनको RRRLA को इन पुस्तकालयों को मजबूत करने का दायित्व दिया गया। किसको दायित्व दिया गया भाई? RRRLA को इन पुस्तकालयों को मजबूत करने का दायित्व दिया गया। RRRLA को इन पुस्तकालयों को मजबूत करने का दायित्व दिया गया। मजबूत करने का दायित्व दिया गया। किसको दिया गया? RRRLA को इन पुस्तकालयों को मजबूत करने का दायित्व दिया गया। ठीक है सर, समझ में आ गया कि RRRLA को इन पुस्तकालयों को मजबूत करने का दायित्व दिया गया और इन पुस्तकालयों का काम था कि आप वयस्को अथवा प्रौढ़ों को शिक्षित करो और बजट RRRLA से पारित होता है। अब RRRLA को बजट कहाँ से मिलता है? तो RRRLA को बजट भारत के संस्कृति मंत्रालय से पारित किया जाता है। कौन से मंत्रालय से? भारत के संस्कृति मंत्रालय से पारित किया जाता है। RRRLA को बजट कहाँ से पारित किया जाता है? भारत के संस्कृति मंत्रालय से पारित किया जाता है। बजट कहाँ से मिलता है? RRRLA को भारत के संस्कृति मंत्रालय से पारित किया जाता है। बजट कहाँ से मिलता है? भारत के संस्कृति मंत्रालय से पारित किया जाता है। किसको? RRRLA को। ठीक है सर, ये कब से? 1979 से संस्कृति मंत्रालय के अधीन किया गया। तो सार्वजनिक पुस्तकालय को किसके अंतर्गत माना गया? तो ये ध्यान रखना है आपको, सार्वजनिक पुस्तकालयों को कला व संस्कृति का अंग माना गया। किसका अंग माना गया? कला व संस्कृति का अंग माना गया। ठीक है, समझ में आ गया। सार्वजनिक पुस्तकालय को किसका भाग या अंग माना गया? कला व संस्कृति का अंग या भाग माना गया, अंग माना गया। इसी कारण से क्या है, भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा बजट इनको पारित किया गया। इससे पूर्व 1979 से पूर्व सार्वजनिक पुस्तकालय को कहां से बजट मिलता था? 1979 से पूर्व सार्वजनिक पुस्तकालय को सोशल एजुकेशन का भाग माना जाता था। किसका भाग माना जाता था? सोशल एजुकेशन का भाग माना जाता था। तो यहां लिख रहा हूं 1979 से पूर्व सार्वजनिक पुस्तकालयों को सोशल एजुकेशन से बजट मिलता था। किससे बजट मिलता था? सोशल एजुकेशन से बजट मिलता था। किससे बजट मिलता था? सोशल एजुकेशन से बजट मिलता था। और 1979 से इसको भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया और एक सरकारी तंत्र RRRLA को घोषित कर दिया गया, ऑटोनोमस बॉडी घोषित कर दिया गया और RRRLA को जिम्मा दिया गया कि आप भारत के समस्त सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में आप काम करोगे और आपको संस्कृति मंत्रालय पैसा देगा RRRLA को। अब RRRLA जो है उस फंड को अपने हिसाब से इन सभी राज्यों में पुस्तकालयों को बांटेगा और उनके विकास में काम करेगा। और इनको इस योजना में दायित्व क्या दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, कि आपका काम ही यही है कि वयस्कों को अथवा प्रौढ़ों को जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष है उनको शिक्षित करने पर काम करना है, यानी कि उस पर जोर दिया गया। क्यों शिक्षित करना? क्योंकि सबसे क्रियाशील जनसंख्या किसी भी देश की यही होती है और उस समय यही दिक्कत थी कि ये लोग बहुत ही कम ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे शिक्षा की पहुँच नहीं हो सकी, नेटवर्क नहीं पहुँच सका, इस कारण से क्या है, बहुत ही निरक्षर थे। तो ये है पांचवी पंचवर्षीय योजना का पूरा ब्यौरा। तो आप इसकी पिक ले लो, फिर मैं आगे अगली पंचवर्षीय योजना पढ़ाता हूं। छठी पंचवर्षीय योजना, टाइमिंग क्या है इसकी? 1980 से 1985 क्या है कार्यकाल का है इसका? 1980 से 1985 कौन सी? 6th 5-year प्लानिंग की।
ठीक है गुरुजी, इसमें क्या हुआ था, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के लिखना है, प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। इस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, यूजीसी द्वारा रिप्रोग्राफी सर्विस की शुरुआत की गई, यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा रिप्रोग्राफी, रिप्रोग्राफी सर्विस या सेवा की शुरुआत की गई, रिप्रोग्राफी सर्विस की शुरुआत की गई, किसके द्वारा की गई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा शुरुआत की गई। गुरुजी रिप्रोग्राफी क्या होता है, रिप्रोग्राफी मतलब पुनरुत्पादन करना, किसी भी प्रलेखों का पुनरुत्पादन करना, ये अपन बहुत ही डिटेल से इनके टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी याद रखना है कि प्रलेखों का पुनरुत्पादन करने की शुरुआत यूजीसी द्वारा कौन सी पंचवर्षीय, छठी पंचवर्षीय योजना में की गई, किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। अब दूसरा जो काम हुआ वो कलकत्ता के केंद्रीय पुस्तकालय के भवन का निर्माण कार्य किया गया, कलकत्ता के केंद्रीय पुस्तकालय भवन, केंद्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय भवन का निर्माण व विस्तार कार्य किया गया, केंद्रीय पुस्तकालय के भवन का निर्माण व विस्तार कार्य किया गया। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया कि केंद्रीय पुस्तकालय की बिल्डिंग में कार्य किया गया, उसको बढ़ाया गया, विस्तार किया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया इसमें और इसका विस्तार किया गया, किसका, कलकत्ता के केंद्रीय पुस्तकालय भवन का निर्माण व विस्तार कार्य किया गया। कब किया गया, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। अब क्या है, यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 150 एजेंसियों की मदद ली गई, 150 एजेंसियों की मदद ली गई, किसके लिए, प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए, 150 एजेंसियों की मदद व सलाह ली गई, कितनी एजेंसियों की मदद व सलाह ली गई, 150 एजेंसियों की, कौन सी, छठी पंचवर्षीय योजना में। क्यों ली गई गुरुजी, क्यों, इसलिए ली गई प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए, कि अपन कैसे प्रौढ़ों को शिक्षित कर सकते हैं, भारत में प्रौढ़ जो है वो निरक्षर हैं, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रौढ़ों को शिक्षित कर सकते हैं, इसके काम व योजना बनाने के लिए 150 एजेंसियों को काम सौंपा गया, किसको, प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए, प्रौढ़ों को शिक्षित करने हेतु या साक्षर करने हेतु, शिक्षित या साक्षर करने हेतु 150 एजेंसियों को जिम्मा सौंपा गया, सीधी बात है। ठीक है, अभी ये मदद व सलाह ली गई व जिम्मा सौंपा गया, इस पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है कि अपन कैसे प्रौढ़ों को शिक्षित कर सके, ये 150 एजेंसियों को काम दिया गया कि आप इसके ऊपर स्टडी करो और आप पता लगाओ कैसे अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रौढ़ों को साक्षर कर सकें, ये 150 एजेंसियों की मदद ली गई, वो वयस्कों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। अब आप पिक ले लो इसकी, फिर आगे सातवीं पंचवर्षीय योजना पढ़ाता हूँ, सातवीं पंचवर्षीय योजना। देखो सातवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ा काम हुआ कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई, किसकी शुरुआत की गई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई, कब की गई, 1986 में की गई। तो इसके एक बार तो इसकी बात करते हैं कि इसका कार्यकाल क्या था, 1985 से 1990, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 1985 से 1990 था। ये पूरी पंचवर्षीय योजना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, ये क्या है, पूरी पंचवर्षीय योजना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला काम क्या किया गया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई, किसकी शुरुआत, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई, किसकी शुरुआत की गई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई, 1986 में की गई। ठीक है गुरुजी, कब की गई, 1986 में की गई, किसकी शुरुआत की गई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई, किसके लिए की गई गुरुजी, वयस्कों अथवा प्रौढ़ों, वयस्कों अथवा प्रौढ़ों तथा ग्रामीण वह महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए की गई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत वयस्कों अथवा प्रौढ़ों तथा ग्रामीण व महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, किसको,
महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखो, वयस्कों अथवा प्रौढ़ों तथा ग्रामीण व महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किसकी शुरुआत की गई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण जनसंख्या जो है भारत की वो निरक्षर ज़्यादा है, यानी कि साक्षर कम है। दूसरा, महिलाओं की साक्षरता रेट काफ़ी कम है, ठीक है। और तीसरा, वयस्क जो प्रौढ़ जनरेशन थी उस समय वो भी साक्षर कम थी, ठीक है। तो इसके लिए किसकी शुरुआत की गई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। कब की गई? 1986 में की गई। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? वयस्क शिक्षा के लिए मैंने आपको बताया था, प्रौढ़ शिक्षा के लिए 150 एजेंसियों की मदद से उनको कहा गया, उनसे राय ली गई, वो इस पर काम करने को कहा गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना की वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया। लागू कब किया गया? सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना की वयस्क शिक्षा कार्यक्रम की लागू किया गया। उस समय तो उस पर राय मांगी गई और उस पर काम हुआ कि कैसे अपन इनको शिक्षित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत या छठी पंचवर्षीय योजना की वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम को शुरुआत या लागू करने का काम कब किया गया? सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। इस योजना में भारत में 9 करोड़, इस योजना में क्या किया गया? इस योजना में भारत में 9 करोड़, यानी कि 90 मिलियन 9 करोड़ वयस्क, 9 करोड़ वयस्क जिनकी उम्र क्या है? 15 से 35 है। जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष है, क्या है? 15 से 35 वर्ष है। उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना, उनकी आवश्यकताओं व स्थिति का पता लगाना। क्या काम किया? आवश्यकताओं व स्थिति का पता लगाने का काम किया गया। पता लगाने का काम किया गया। कुल मिला के बात ये कि 15 से 35 वर्ष आयु की जो जनसंख्या है उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी इकोनॉमी क्या है, वो कौन से परिवेश में है, उनका कल्चर क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है, इनका पता लगाने का काम इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। कौन सी? सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया जरूरतों को पता लगाने का काम। इस कार्य में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो किसने निभाई? पुस्तकालय नेटवर्क ने निभाई। इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका पुस्तकालय नेटवर्क ने निभाई। इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? पुस्तकालय नेटवर्क ने निभाई। देखो, नेटवर्क का अर्थ बहुत सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं कि इंटरनेट से जुड़े हुए वही नेटवर्क नहीं होता है। नेटवर्क का अर्थ ऐसा समूह जो मिलकर साथ में कार्य करता हो और सूचनाओं का या ज्ञान का आदान प्रदान करता हो, उसे नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क का अर्थ यहाँ पे आप यूं मत लगा लेना कि सर इंटरनेट का से बना हुआ नेटवर्क, वो नहीं। नेटवर्क का अर्थ समूह जो आपस में जुड़कर संस्थाएं कार्य करती है क्रमवाइज, उनको आपस में जुड़ करके कार्य दिया गया, इसे नेटवर्क नाम दिया गया। क्या दिया गया? इसे नेटवर्क नाम दिया गया। तो इस कार्य में महत्वपूर्ण पुस्तकालय नेटवर्क ने भूमिका निभाई। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि भारत में पुस्तकालय नेटवर्क की शुरुआत भी कब हुई थी? इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। भारत में पुस्तकालय नेटवर्क की शुरुआत भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में भारत में प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क 1986 में भारत में प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कैलिबनेट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? कैलिबनेट की स्थापना की गई। सर, फुल फॉर्म क्या होती है? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क।
भारत में प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क 1986 में कैलिबनेट की स्थापना की गई। किस पंचवर्षीय योजना में? सातवीं पंचवर्षीय योजना में कैलिबनेट की स्थापना की गई। सर किसकी सहायता से की गई? निसात की सहायता से की गई। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी निसात की सहायता से की गई। निसात की सहायता से की गई। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, यह नेटवर्क असफल रहा। इस नेटवर्क का कार्य सही नहीं रहा। कैलिबनेट क्या है? असफल रहा। ठीक है, तो अब क्या होता है, 1988 में, दो साल बाद क्या होता है, 1988 में, कब 1988 में, 1988 में निसात द्वारा क्या किया जाता है, डेलनेट की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? डेलनेट की स्थापना, जो भारत का प्रथम सफल पुस्तकालय नेटवर्क माना जाता है। 1988 में डेलनेट की स्थापना, जो भारत का प्रथम सफल पुस्तकालय नेटवर्क माना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम सफल पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है, तो प्रथम पुस्तकालय नेट सफल पुस्तकालय नेटवर्क डेलनेट है। सर फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क स्थापना के समय इसका नाम था। दिल्ली की 30 पब्लिक लाइब्रेरीज को मिलाकर के डेलनेट की स्थापना की गई। सूचनाओं और ग्रंथों को, पुस्तकों के आदि के आदान प्रदान के लिए इन्होंने दिल्ली के 30 सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक नेटवर्क स्थापित किया, जिसे डेलनेट नाम दिया, और जिसकी फुल फॉर्म क्या थी, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर उसके बाद में 2000 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। फिर बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। और आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क पूछे तो कौन है, डेलनेट है। भारत का प्रथम सफल पूछे तो भी कौन है, डेलनेट है। भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी कंसोर्टिया या कंसोर्टियम पूछे तो कौन सा है, वो भी डेलनेट है। अभी कंसोर्टिया या कंसोर्टियम रिसोर्स शेयरिंग का भाग है, जो मैं उस टॉपिक में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो लेकिन एग्जामिनर आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क और ऑप्शन में कैलिबनेट है, तो आपको कैलिबनेट करके आना है। लेकिन कैलिबनेट नहीं है तो डेलनेट करके आना है। दूसरा, अगर एग्जामिनर लैंग्वेज ये चेंज करे कि भारत का प्रथम सफल पुस्तकालय नेटवर्क, तो फिर आपको डेलनेट ही करके आना है। और सिर्फ पूछे भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क और कैलिबनेट ऑप्शन में है, तो कैलिबनेट करके आना है। ठीक है, समझ में आ गया। और सफल पूछे तो डेलनेट। ठीक है गुरुजी, अब क्या हुआ, 1988 में एक काम और हुआ। अब क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बैठक बुलाई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। उसने कहा कि यार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का नेटवर्क स्थापित हो चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क भी बनाना चाहिए। किसका बनाना चाहिए, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नेटवर्क भी स्थापित करना चाहिए। तो 1988 में विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया, विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव, विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव लाया गया। 1988 में प्रस्ताव लाया गया, दिल्ली में बैठक की गई और इसका प्रस्ताव लाया गया। और फिर 1991 में इन्फ्लिपनेट के नाम से पहला विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क स्थापित किया गया। कब, 1991 में, 1991 में इन्फ्लिपनेट की स्थापना आठवीं पंचवर्षीय, इसके बाद वाली पंचवर्षीय योजना में की गई। अब आप इसकी पिक ले लो, फिर आगे इसी पंचवर्षीय योजना का भाग और पढ़ाता हूं मैं। 1985 में, ठीक है, अब क्या होता है, 1985 में देखो, छठी पंचवर्षीय योजना में बीपी वरुआ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जो 1983 में क्या करती है कि
इस नेशनल पॉलिसी लाइब्रेरी की नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए व्यक्तियों को किन किन को उस कमेटी में रखना है उनका चयन करने का काम बीपी वरुआ की कमेटी करती है। ठीक है गुरुजी, चयन कर दिया उन लोगों का जो इस नेशनल पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे लाइब्रेरी की। फिर अब कौन काम करेगा उसकी अध्यक्षता डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन 1985 में किया गया और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1986 में क्या है ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया गया। किसके द्वारा? ट्रिपल आरएलए आईएलए के द्वारा संयुक्त रूप से ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया गया। सर ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होता है? ड्राफ्टिंग अर्थात जो भी डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में नेपलिस ने अपनी जो अनुशंसाएं दी थी उसमें से कौन कौन सी काम की चीजें वो छाटने का कार्य ट्रिपल आरएलए आईएलए ने किया और लास्ट में ट्रिपल आरएलए आईएलए ने जो उनमें से महत्वपूर्ण बातें थी चट्टोपाध्याय समिति कमेटी की उन बातों को लागू कर दिया गया। इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग यानी कि छटनी करना महत्वपूर्ण बातों की, ये काम किया गया। तो अब देखो इसके अंतर्गत अपन आगे बात करते हैं। तो कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ये 1985 में बनी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? डीपी चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में, डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की। अब ये कमेटी से पूर्व बीपी वरुआ की कमेटी का गठन किया गया, वो संस्कृति मंत्रालय ने किया। वो भी वो क्यों किया कि भाई आप एक बार तो उन जो लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए जानकार लोग हैं उनकी उन लोगों की एक समिति का गठन करो पहले। तो बीपी वरुआ साहब को 1981 में संस्कृति मंत्रालय ने काम सौंपा गया। 1983 में बीपी वरुआ साहब ने कहा कि भाई डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में आप इस कमेटी का गठन करो जो आपके इस पर नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम पर काम करेगी और उसका पूरा प्रारूप तैयार करेगी। ठीक है, उसका प्रारूप करने का काम डीपी चट्टोपाध्याय को सौंपा गया। अब डीपी चट्टोपाध्याय ने जो अपनी अनुशंसाएं दी वो 1985 में दे दी। अब 1986 में क्या किया गया? 1986 में ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया गया। क्या किया गया? ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट। क्या होता है गुरुजी ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट? यानी कि उसने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की। फिर 1986 में क्या ट्रिपल आर एल एफ व आईएलए ने जो भी इसने अनुशंसाएं प्रस्तुत की डीपी चट्टोपाध्याय कमेटी ने उसमें से जो महत्वपूर्ण थी उनकी छटनी कर दी और फिर उनको जारी कर दिया। किसने? ट्रिपल आरएलएफ आईएलए ने इस कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया। ठीक है, इस कमेटी की रिपोर्ट को प्रश्न पूछा जाता है बहुत सारी किताबों में आपको सिर्फ ट्रिपल आरएलएफ मिलेगा। ट्रिपल आरएलएफ आईएलए दोनों ने इस कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया। इस कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम मोहर लगाने का काम भी किया या अंतिम मोहर लगाई या ड्राफ्टिंग की इसकी ड्राफ्टिंग की या ड्राफ्टिंग की ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है छटनी करना यानी कि छटनी की। तो छटनी करने का काम किसने किया? ट्रिपल आरएलएफ आईएलए ने किया। डीपी चट्टोपाध्याय ने अपनी अनुशंसाएं दे दी। फिर लास्ट में क्या किया गया? ट्रिपल आरएलएफ आईएलए ने क्या है चट्टोपाध्याय की जो जो बातें थी उनमें से महत्वपूर्ण बातों को अपना करके फिर उस रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया गया और उस पर अंतिम मोहर लगा दी गई। इस रिपोर्ट में क्या था? ग्रामीण पुस्तकालय
तथा प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय खोलने पर प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय खोलने पर या पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की, सिफारिश की किसने की? इस कमेटी ने, डीपी चट्टोपाध्याय। फिर ड्राफ्टिंग करके आईएलए व ट्रिपल आरएल ने इस कमेटी की रिपोर्ट को फाइनल रूप दे दिया, अंतिम प्रारूप दे दिया कुल मिला के। अब ग्रामीण पुस्तकालय तथा प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की। पहली सिफारिश तो ये की इस कमेटी ने कि ग्रामीण पुस्तकालय तथा प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय खोले जाने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय में या ग्रामीण कम्युनिटी लाइब्रेरी में, ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय में, दूसरी बात क्या कही कि ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय में, ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय में चिल्ड्रन लाइब्रेरी की स्थापना होनी चाहिए। किसकी स्थापना होनी चाहिए? चिल्ड्रन लाइब्रेरी की। किसके लिए? बच्चों के लिए। जो बच्चे जिन्हें स्कूल में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिन स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है, वो बच्चे फिर कहाँ पे पढ़ेंगे? तो उनके लिए क्या है, ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय में चिल्ड्रन लाइब्रेरी का अलग विभाग स्थापित करने के लिए कहा, अलग विभाग स्थापित करने के लिए कहा। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए चिल्ड्रन लाइब्रेरी का अलग विभाग स्थापित करने को कहा। किसमें? ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालयों में आप क्या करो, बच्चों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करो, जहां पर क्या है, अलग से बच्चों के लिए लाइब्रेरी हो, ठीक है, वह उन्हें सर्वोत्तम सुविधा दी जाए, उन्हें सर्वोत्तम सुविधा देने पर बल दिया, वह उन्हें सर्वोत्तम सुविधा देने पर बल दिया। ये मेन बात इस कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कही थी। ये दो बातें याद रखना, ग्रामीण पुस्तकालय तथा प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की गई ज़्यादा से ज़्यादा। अब जिन गाँव के पुस्तकालय में या जिन गाँव के स्कूलों में लाइब्रेरी है ही नहीं या लाइब्रेरियन है ही नहीं वहाँ पे, तो उनको क्या है, उसके लिए क्या करो, आपके ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालयों में चिल्ड्रन लाइब्रेरी का विभाग अलग से स्थापित करो, चिल्ड्रन लाइब्रेरी का अलग से विभाग स्थापित करो। ये इस कमेटी ने कहा कि बच्चों के लिए अलग से विभाग स्थापित करो, ठीक है, और उसे सर्वोत्तम सुविधा देने का काम करो, और उनके लिए जो जो जरूरत आवश्यक चीज़ें हैं बच्चों के विभाग के लिए, वो आप ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय में उपलब्ध कराओ। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय में बच्चों के लिए अलग से विभाग स्थापित करने की सिफारिश किसने की? तो इस कमेटी ने की। ये मेन बात आपको याद रखनी है। अब इसका पिक ले लो आप, इसके बाद आगे पढ़ाता हूँ मैं अगली पंचवर्षीय योजना।